खरगोन जिले के बड़वा पुलिस ने गोवंश से भरे एक आयशर वाहन को पकड़ा। जब इस आयशर की चेकिंग की गई तो उसमें 3 मवेशी मृत मिले। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल खरगोन के सरावत में इंदौर इच्छापुर मार्ग स्थित ग्राम बासवा में ग्रामीणों ने गाँव में ही खड़े एक आयशर वाहन को संदिग्ध अवस्था में देखा, जिसके बाद उसमें जाँच करने पर पता चला कि उसमें गोवंश भरे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने जब वाहन खोलकर देखा तो उसमें 3 मवेशी मृत अवस्था में मिले, जबकि 15 से अधिक मवेशियों को ग्रामीणों ने वाहन से बाहर निकाल कर खुले में छोड़ दिया। तो काका अंदर घुसने की और दृष्टि दिव्य दृष्टि आ जाती है, जिसमें कुछ अच्छा हो। सरपंच दरियाव सिंह मंडलोई ने बताया कि ग्राम की एक चाय दुकान पर एक आयशर वाहन देर रात से खड़ा था। जब वो सुबह तक नहीं गया तो ग्रामीणों ने इस बात की सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद वाहन में पड़ताल की तो उसमें अवैध रूप से गोवंश भरा हुआ था। वहीं वाहन के संबंध में पता चला कि वाहन ग्वालियर जिले का है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवंश का मामला दर्ज किया है। गाड़ी मिली और क्या इसमें? डोर भरे हुए थे। अच्छा, गाय भरी हुई थी, 3 गाय मरी हुई। कहाँ मिली है? ये सामने खड़ी थी रोड पे। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा कि गाड़ी? छोरे बुलाने आए सरपंच साहब, गाय भरी हुई थी गाड़ी, तो रात भर से ही खड़ी थी। 1 बजे रात की खड़ी। फिर अपन ने क्या करा? इधर साइड में लगा के गायों को नीचे उतारी। कितनी गाय होगी अंदाजन? 15-20 गाय। 3 गाय मर गई है। 3 गाय मर गई। अब क्या करेंगे ग्रामीण? ग्रामीण के तू ये तो बोल रहे आग लगाने के लिए, पर अब ये क्या बोल रहे पुलिस? बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।